यहाँ आपकी दोस्त चूनी चिड़िया आ गई एक नई कहानी लेकर। कबूतर चिड़िया और उसके तीन बच्चों की भूख। रात का समय तेज तूफानी बारिश चल रही थी। सारे जंगल में हर तरफ तबाही का मंजर था। इसी तूफानी बारिश में सुरीली नामक एक चिड़िया अपने तीन बच्चे सुमन चिड़िया, मनु चिड़िया और टूनी चिड़िया के साथ जंगल के बाहर एक बरगद के पेड़ पर बैठी हुई थी। ये तूफानी बारिश तो कुछ ज्यादा ही तेज हो गई है। अब मैं अपने तीनों बच्चों को लेकर अपने घोंसले तक कैसे जाऊँ? सामने तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। माँ, हमें बहुत डर लग रहा है, हम अपने घोंसले में कब पहुँचेंगे? बच्चों तुम चिंता ना करो, जैसे ही तूफान खत्म होता है हम अपने घोंसले में चली जाएंगे। सुरीली चिड़िया कांपते हुए अपने तीनों बच्चों को उस बरगद के पेड़ के ऊपर लेके बैठी थी। तभी अचानक एक तेज तूफान आता है जिसकी वजह से सुरीली चिड़िया और उसके तीनों बच्चे वहाँ से उड़कर एक पेड़ के नीचे दबकर वहीं मर जाते हैं। सुरीली चिड़िया और उसके तीनों बच्चों की उस तूफान में वहीं मृत्यु हो जाती है। देखते ही देखते सवेरा हो जाता है। तभी एक कालू नामक कौवा सुरीली चिड़िया के घोंसले में आता है। उस समय घोंसले में सुरीली चिड़िया और उसके तीनों बच्चे सुमन चिड़िया, मनु चिड़िया और टूनी चिड़िया, ये चारों भूतिया पक्षी बनकर अपने घोंसले में बैठे हुए थे। उन चारों की मृत्यु के बाद वो चारों भूतिया पक्षी बन चुके थे। अरे बाप रे बाप, ये क्या हो गया? ये सुरीली चिड़िया और उसके तीनों बच्चे भूत कैसे बन गए? अरे भागो रे बाप यहाँ से। कालू कौवा वो नजारा देखकर वहाँ से दम दबाकर भाग जाता है और अपनी पत्नी मिट्टी कौवी को सारी बात बताता है। अरे क्या नींद में चल रहे थे क्या? पागल तो नहीं हो गए? वो सुरीली चिड़िया और उसके तीनों बच्चे अचानक से भूत कैसे बन गए? जबकि कल ही तो मैं सुरीली चिड़िया के घोंसले से उससे मिलकर आई, उस समय तो वो बिल्कुल ठीक ठाक थी। अरे तेरी कसम मंजी, वो सुरीली चिड़िया सच में भूतिया पक्षी बन गई है। आपके जैसे पागल पक्षी के चक्कर में अगर मैं पड़ गई ना, तो वो चिड़िया भूत बने ना बने, पर एक दिन मैं जरूर भूत बनकर तुम्हारी जान ले लूंगी। चलो अब जाओ, मुझे बहुत से कार्य करने हैं। आए बड़े वो भूत देखकर। मंजी कौवी बड़बड़ाते हुए अपना कार्य करने लग जाती है। उसने कालू कौवी की बात को नजरअंदाज कर दिया था। इधर भूतिया सुरीली चिड़िया अपने तीनों भूतिया बच्चों के साथ अपने घोंसले में बैठी हुई थी। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे लिए कुछ खाने को लाओ ना। माँ, मुझे भी बहुत जोरों की भूख लगी है। अरे बच्चों को तो भूख लगी है, चलो मैं इनके लिए भोजन की व्यवस्था कराती हूँ। इस समय तो घोंसले में भी कुछ नहीं है। भूतिया सुरीली चिड़िया जंगल में उड़ते हुए जाती है और कई सारे फल दाने अपने साथ ले आती है। अपने बच्चों को देती है। भूतिया सुरीली चिड़िया के भूतिया बच्चे जब उन फलों और दानों को देखते हैं, तो वे तीनों रोने लगते हैं। अरे क्या हुआ बच्चों, तुम रो क्यों रहे हो? मैंने इतना सब तो भोजन लाया है ना, खाओ इसे। माँ, हमें ऐसा भोजन नहीं चाहिए, हमें दूसरा भोजन चाहिए। दूसरा भोजन? अब दूसरा भोजन कौन सा भोजन आता है? तभी तीनों भूतिया बच्चे जारों कतार रोने लगते हैं। अरे बच्चों रोना बंद करो, मैं ले आती हूँ दूसरा भोजन। भूतिया सुरीली चिड़िया फिर से जंगल में उड़ते हुए जाती है और दूसरा भोजन तलाश करने लगती है। अब मैं दूसरा क्या भोजन ले जाऊँ बच्चों के लिए, यहाँ तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तभी भूतिया सुरीली चिड़िया की नज़र एक मीठे गुल्लर के पेड़ पर पड़ती है जिस पर काफी सारे मीठे गुल्लर लगे हुए थे। अरे वाह, ये गुल्लर तो बहुत मीठे हैं और मेरे बच्चों को ये गुल्लर बहुत पसंद है। चलो मैं इन्हें लेके चलती हूँ, मेरे बच्चे बड़ी मजे से इन्हें खाएंगे। भूतिया सुरीली चिड़िया उस गुल्लर के पेड़ पर जाती है और वहाँ के गुल्लर तोड़ने लगती है। इधर मंजी कौवी सुरीली चिड़िया के घोंसले के पास से गुजर रही थी। वो जैसे ही सुरीली चिड़िया का घोंसला देखती है, वो वहीं रुक जाती है। ये कालू पड़ा मुझे कह रहा था ना कि सुरीली चिड़िया और उसके तीनों बच्चे भूतिया पक्षी बन गए हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है आज ये पता करना ही होगा। मंजी कौवी सुरीली चिड़िया के घोंसले में घुस जाती है। अंदर सुरीली चिड़िया के तीनों भूतिया बच्चे जोर जोर से रो रहे थे।
उनका ये भूतिया अवतार देखकर मुंजी कौवे के होश उड़ जाते हैं। अरे बाप रे, ये बच्चे तो सच में भूतिया पक्षी बन गए। इसका मतलब कालू ने जो कुछ कहा था वो सब सच था। मुंजी कौवे जैसे ही उस घोंसले से भागने लगती है, तभी भूतिया सुरेली चिड़िया के तीनों भूतिया बच्चे मुंजी कौवे को पकड़ लेते हैं और उसे वही जान से मार कर मुंजी कौवे को खाने लगते हैं। थोड़े समय बाद जब भूतिया सुरेली चिड़िया वो मीठे गुजर लेकर अपने घोंसले में आती है, तो अपने घोंसले का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। अरे बच्चों, ये तुमने क्या किया? इस कौवे बैग को क्यों जान से मार दिया? माँ, इस कौवे को खाकर हमारा पेट भर गया है। सच में इस कौवे का खून पीकर और इसे खाकर बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ माँ, अब से हमें रोज एक जंगल का पक्षी लाकर देना, हम उसे खाकर अपनी प्यास और भूख मिटाएंगे। अपने भूतिया बच्चों की ये बात सुनकर भूतिया सुरेली चिड़िया को कुछ समझ नहीं आता, उसके होश उड़ जाते हैं। बच्चों, माना कि अब हम सब भूतिया पक्षी बन गए हैं, पर हम अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमें ऐसे पक्षियों की जान नहीं लेनी चाहिए, ये बहुत गलत है। किसी की जान लेना ये बहुत ही संगीन जुर्म है। बच्चों, मुझसे वादा करो कि आज के बाद तुम कभी भी इस जंगल के किसी भी पक्षी की जान नहीं लोगे, किसी भी पक्षी को नहीं खाओगे। नहीं माँ, इन पक्षियों को खाकर ही हमारी भूख मिट रही है। हम रोज इस जंगल के एक एक पक्षी को मारकर खाएंगे। हाँ माँ, हम रोज एक पक्षी को मारकर खाएंगे। हमें ये फल और दाने नहीं खाने हैं, हमें पक्षियों का खून पीना है और उन्हें खाना है, तभी हमारी भूख मिट पाएगी। हाँ खबरदार बच्चों, अगर तुमने दोबारा ऐसी कोई हरकत की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भूतिया सुरेली चिड़िया और तीनों मिलकर कालू कौवे के घोंसले में आते हैं और कालू कौवे को जान से मारकर उसे खाने लगते हैं। भूतिया सुरेली चिड़िया अपने बच्चों के पीछे पीछे भागती है और उसके तीनों भूतिया बच्चे जंगल के एक एक पक्षी को पकड़ कर उन्हें खाने लगते हैं। सारे जंगल के पक्षी जब ये नजारा देखते हैं, तो सब दहशत में आ जाते हैं। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। अरे बाप रे बाप, ये सब क्या हो रहा है जंगल में? ये भूतिया पक्षी के बच्चे कौन हैं, जो पक्षियों को इतनी बेरहमी से मार कर खा रहे हैं? अरे ये तो सुरीली चिड़िया है, पर ये भूतिया पक्षी कैसे बन गई? अरे सुरीली चिड़िया, सुरीली चिड़िया। हाँ कबूतर भाई, बोलिए। अरे सुरीली चिड़िया, तुम ये भूतिया चिड़िया कैसे बन गई? और ये भूतिया बच्चे कौन हैं? कबूतर भाई, ये सारे भूतिया बच्चे मेरी ही है। हम चारों भूतिया पक्षी बन गए हैं और अब देखिए ना, मेरे बच्चे अपनी भूख मिटाने के लिए जंगल के पक्षियों को मार कर खा रहे हैं। मैं उन तीनों को रोकने की बहुत कोशिश कर रही हूँ, पर वह है कि मेरी सुन ही नहीं रहे हैं। अरे बाप रे बाप। कबूतर भाई, आप फौरन अपने परिवार को लेकर इस जंगल से निकल जाओ। पता नहीं मेरे बच्चे इस जंगल में क्या कहर मचाते हैं, मैं उन्हें रोकने जा रही हूँ। आप सब यहाँ से चले जाइए। समर कबूतर ये बात सुनकर वहाँ से भाग जाता है। इधर भूतिया सुरेली चिड़िया अपने तीनों भूतिया बच्चों के पीछे भागती है। तीनों भूतिया बच्चे एक तोते को खा रहे थे। मेरी भूतिया बच्चों को ऐसे रोका नहीं जा सकता, मुझे तीनों भूतिया बच्चों को यही नष्ट कर देना होगा, तभी इस जंगल के पक्षी तीनों भूतिया बच्चों से बच पाएंगे। भूतिया सुरेली चिड़िया तेजी से उड़कर अपने तीनों बच्चों के पास जाती है और अपनी बेटी सुमन चिड़िया को पकड़कर उसकी गर्दन तोड़कर उसे वही नष्ट कर देती है। इसी तरह भूतिया सुरेली चिड़िया एक एक कर अपने तीनों बच्चों को वही नष्ट कर देती है। और जोर जोर से रोने लगती है। तीनों भूतिया बच्चों ने अपनी भूख मिटाने के लिए कितने पक्षियों को मार दिया था, उन्हीं पक्षियों को देखकर भूतिया सुरेली चिड़िया ने अपने तीनों भूतिया बच्चों को हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर दिया था। यहाँ आपकी दोस्त टूनी चिड़िया आ गई एक नई कहानी लेकर। भूतिया कौवा। रात का समय समर कबूतर अपनी पत्नी गुलाबो कबूतरी के साथ अपने घोंसले में बैठे बातें कर रहा था, तभी अचानक उसके घोंसले का दरवाजा भी जोर से खटखटाता है। ठक 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 ठक। रात को कौन आया अपने घोंसले में? अरे मेरी रानी, इसी जंगल का कोई पक्षी होगा, तुम भी क्या इतना घबराने लगती हो? फिर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है।
थक 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 थक। अरे आ रहा हूँ, अब क्या दरवाजा ही निकाल देगा क्या है? थोड़ा तो सब्र रख। समर कबूतर दरवाजे के पास आता है और दरवाजा खोलता है। हाँ भाई, कौन है? समर कबूतर बाहर देखता है तो बाहर कोई नहीं था। अरे यहाँ तो कोई नहीं है, फिर दरवाजा किसने खटखटाया? समर कबूतर घोंसले का दरवाजा बंद करता है और अंदर आ जाता है। जी कौन था? अरे कोई नहीं था, हो गए कोई जंगल के छिछोरे पक्षी, ना दूसरे पक्षियों को चैन से सोने देते हैं। चलो रात काफी हो गई है, अब सो जाते हैं। दोनों कबूतर अपने घोंसले में सो जाते हैं। थोड़े समय बाद अचानक से एक भूतिया कौवा समर कबूतर के बगल में आकर सो जाता है। समर कबूतर जैसे ही करवट बदलता है, उसका एक हाथ उस भूतिया कौवे के शरीर पर आ जाता है। अरे गुलाबो, ये तुम्हारा शरीर इतना कड़क मर्दाना पक्षी के जैसे कैसा हो गया? लगता है तुम भी अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख रही हो। तभी वो भूतिया कौवा समर कबूतर से पूरा लिपट जाता है। उसके लिपटते ही समर कबूतर की आँख खुल जाती है और वो जैसे ही भूतिया कौवे को अपने से चिपका हुआ देखता है, उसकी आँखें फटी की फटी रह जाती है। ये देखकर समर कबूतर जोर से चिल्लाता है। अरे मेरे बाप रे बाप, अरे ये क्या है? अरे बचाओ मुझे, अरे बचाओ मुझे। समर कबूतर के चिल्लाते ही वो भूतिया कौवा वहाँ से गायब हो जाता है। समर कबूतर हड़बड़ा कर उठकर खड़ा हो जाता है। उसकी चीखने की आवाज सुनकर गुलाबो कबूतरी नींद से जाग जाती है। अरे क्या है जी, क्यों नींद में चिल्ला रहे हो? चैन से सोने तो दो। हाँ, वो, हाँ, हाँ, वो। अरे क्या पागल हो गए हो क्या? क्या बड़बड़ाए जा रहे हो? मेरे पास अभी एक भूतिया कौवा आकर सो गया था और वो मुझसे पूरा निपट गया था। अरे इतना भयानक था वो कौवा कि उसे देखकर ही मेरा दिल घबरा गया। अरे बाप रे बाप। अरे कोई सपना देखा होगा आपने, अब सो जाओ और मुझे भी सोने दो, रात बहुत हो गई है। समर कबूतर फिर से अपनी पत्नी के साथ सो जाता है। थोड़ी समय बाद वही भूतिया कौवा फिर से वहाँ आता है और वो इस बार समर कबूतर के दोनों पैर पकड़ता है और उसे उठाकर सीधे घोंसले के दरवाजे के पास फेंक देता है। समर कबूतर की सारी हड्डियाँ चकना चूर हो जाती है। मेरी कमर, अरे तेरे मुंह में कीड़े पड़े रे, अरे कौन है रे यहाँ? वो भूतिया कौवा फिर से गायब हो जाता है। समर कबूतर के चिल्लाने की आवाज सुनकर गुलाबो कबूतरी फिर से जाग जाती है। अरे आप वहाँ दरवाजे के पास क्या कर रहे हो? अरे मुझे किसी ने उठाकर यहाँ दरवाजे के पास फेंक दिया है। अरे समर, हम दोनों के सिवा इस घोंसले में कौन है? तुम क्यों बेवजह का इतना तमाशा बना रहे हो? चैन से सोने दो ना मुझे। गुलाबो कबूतरी गुस्से में फिर से सो जाती है। समर कबूतर अपनी पत्नी के पास आता है और वहीं बैठ जाता है। यहाँ कौन है? आज मुझे देखना ही होगा कि कौन मुझे परेशान कर रहा है। समर कबूतर वहीं बैठा रहता है। अच्छा तो अब ये कबूतर रात भर जागेगा, इसे तो मैं अभी मजा चखाता हूँ। तभी वो भूतिया कौवा गुलाबो कबूतरी के घोंसले का एक बर्तन लेता है और जोर से उसे समर कबूतर को फेंक कर मारता है। समर कबूतर जोर से चिल्लाता है। तभी वो भूतिया कौवा उसके घोंसले के सारे बर्तन नीचे फेंक देता है जो पूरे घोंसले में बिखर चुके थे। इतना करके वो भूतिया कौवा फिर से वहाँ से गायब हो जाता है। बर्तनों की आवाज सुनकर गुलाबो कबूतरी नींद से जाग जाती है। अरे क्या है समर, क्यों परेशान किए जा रहे हो? अरे मेरे बाप रे बाप, अरे कितनी जोर से मुझे बर्तन फेंक कर मारा है रे। अरे क्या पूरे घोंसले में बर्तन ही बर्तन फेंक कर रख दिए? अरे क्या करूँ मैं मेरे पति का? अरे क्या पागल हो गए हो क्या आप? अरे मैं सच कह रहा हूँ गुलाबो, हमारे इस घोंसले में एक भूतिया कौवा है, वही मेरे साथ ये सब कर रहा है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ गुलाबो। माना हम झूठ नहीं बोल रहे, पर ये सब मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा? ये सब हरकत आप ही के साथ कैसे हो रही है? मुझे क्यों कोई दिखाई नहीं दे रहा? गुलाबो, जब मैंने उस भूतिया भयानक कौवे को देखा था, वो इतना डरावना कौवा था कि उसकी शक्ल देखकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे।
अरे मुझे लगता है हमारे इस घोंसले में कोई भूत या पक्षी का साया है। हमें तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए गुलाबो। समर, हम कई वर्षों से इस घोंसले में रहते आ रहे हैं, पर अब तक तो हमें कभी ऐसी समस्या नहीं आई। हो सकता है ये सब तुम्हारा वहम हो। तुम चिंता ना करो, हम पड़ोस वाले टोनी चिड़िया के घोंसले में चलते हैं और उन्हें सारी घटना के बारे में बताते हैं। दोनों कबूतर जैसे ही अपने घोंसले का दरवाजा खोलते हैं, वो दरवाजा खोलते ही अपने आप बंद हो जाता है। ये देखकर दोनों कबूतर खुश हो जाते हैं। देखा गुलाबू तुमने, ये दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अरे ये कैसे संभव है, ये दरवाजा तो मैंने अभी खोला और ये अपने आप ही बंद हो गया। तभी वो भूतिया कौवा उन दोनों कबूतरों के पीछे प्रकट होता है और जोर से हंसने लगते हैं। उसकी हंसने की आवाज सुनकर दोनों कबूतर जब अपने पीछे मुड़कर देखते हैं, तो उस भूतिया कौवे को देखकर उन दोनों के होश उड़ जाते हैं। भूतिया कौवा, देखा गुलाबो, मैंने कहा था ना तुमसे। हाँ कबूतर, इतनी देर से मैं ही तुम्हें परेशान कर रहा था। तुम दोनों मेरे इस घोंसले में आकर रहने लगे। ये घोंसला मेरा है। तुम्हारा घोंसला? ये तो हमारा घोंसला है और हम कई बरसों से इस घोंसले में रह रहे हैं। ये तुम्हारा नहीं, मेरा घोंसला है, समझे। मैं पिछले 100 वर्षों से सोया हुआ था। आज जाकर मेरी नींद पूरी हुई है। मैं कई बरसों से इस घोंसले में सो रहा हूँ। अब तुम दोनों की भलाई इसी में है कि तुम दोनों इसी समय मेरे घोंसले से निकल जाओ, वरना बेमौत मारे जाओगे। हाँ, ये बात सुनकर दोनों कबूतर उस घोंसले से बाहर आ जाते हैं और वहीं खड़े रह जाते हैं। वो भूतिया कौवा समर कबूतर के घोंसले का सारा सामान बाहर फेंक देता है। दोनों कबूतर पूरी रात अपने घोंसले के बाहर ही खड़े रहते हैं। देखते ही देखते सवेरा हो जाता है। अगले दिन सवेरे जब जंगल के सारे पक्षी समर कबूतर के घोंसले का सारा सामान बाहर पड़ा देखते हैं, तो सब पक्षी समर कबूतर और गुलाबो कबूतर के पास आते हैं। अरे कबूतर भाई, ये क्या, आप दोनों अपने सामान के साथ घोंसले के बाहर क्या कर रहे हो? कहीं जा रहे हो क्या? तभी गुलाबो कबूतर और समर कबूतर जंगल के सारे पक्षियों को पूरी बात विस्तार से बताते हैं। जंगल के पक्षी जब ये बात सुनते हैं तो सबके होश उड़ जाते हैं। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही बड़ी समस्या आ गई है। अगर वो भूतिया कौवा हमारे जंगल में रहने लगा तो वह तो हमारे जंगल के सारे पक्षियों को मार ही देगा। हमें उसे इस जंगल से भगाना ही होगा। वो तो सब ठीक है, पर हम उस भूतिया कौवे का सामना कैसे कर सकते हैं? मैंने तो सुना था कि ये भूतिया पक्षी बहुत ही खतरनाक होते हैं। अरे इनका सामना करना हम आम पक्षियों के बस की बात नहीं। इस भूतिया कौवे का सर्वनाश करने का एक ही उपाय है, हमें अपने इस घोंसले को हर तरफ से आग लगा देना होगा। उस आग की वजह से ये भूतिया कौवा इस घोंसले में जलकर खत्म हो जाएगा। गुलाबो कबूतर की बात सुनकर सारे पक्षी उस घोंसले को आग लगा देते हैं, जिसके बाद उस घोंसले के साथ साथ वो भूतिया कौवा भी जलने लगता है और देखते ही देखते वो भूतिया कौवा उसी घोंसले में जलकर भस्म हो जाता है। गुलाबो कबूतर और समर कबूतर ने अपना प्यारा सा घोंसला